पार्ट बी जो है ना वो खाने जरा का। मुश्किल है। सही है। पार्ट बी में देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर, ठीक है, पार्ट बी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, पार्ट बी में क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड बी सी क्या लिखा हुआ है बेटा, ए बी एंड बी सी आर टू साइड्स ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। ए बी एंड बी सी आर टू साइड्स ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन, राइट। ए बी एंड बी डी आर टू साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन। डेकागॉन का मतलब क्या होता है, टेन साइडेड फिगर। सही है। डेकागॉन का मतलब क्या होता है, टेन साइडेड फिगर, राइट। और रेगुलर हेक्सागॉन का मतलब क्या होता है, सिक्स साइडेड फिगर, राइट। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सा डेकागॉन है और कौन सा हेक्सागॉन है। इधर देखो, ए बी एंड बी सी, यानी कि ए बी एंड बी सी, ये क्या है, ये रेगुलर डेकागॉन है। और बेटा रेगुलर डेकागॉन की एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, 144। गिवन है या नहीं है, राइट है या नहीं है, शो डेट जो हमने किया था ऊपर। तो बेटा ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये वाला एंगल है 144। यहां तक क्लियर, इज इट क्लियर, राइट। ये पहले पार्ट में मौजूद था। सेकंड में इसने क्या बोला कि बेटा ए बी एंड बी डी, ए बी एंड बी डी आर रेगुलर हेक्सागॉन। हेक्सागॉन का मतलब क्या होता है, सिक्स साइडेड फिगर। क्या होता है, सिक्स साइडेड फिगर। और ईच इंटीरियर एंगल आप कैसे निकालते हैं बेटा, 6 - 2 × 180 / 6। 6 - 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4, और 120 आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर, 120। तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 120 आ गया। यहां तक क्लियर है, सही है। तो देखो अब यहां पर हमने कैसे निकाला, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एंगल निकाला। ये वाला एंगल हमारे पास पार्ट ए में मौजूद था, राइट। बच्चों इधर देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा किसके बराबर होगा, 360 के। ठीक है। तो बेटा अब इधर देखो, x प्लस 120 प्लस 144 किसके बराबर होगा, 360 के। नाउ ऐड करें बेटा, 120 प्लस 144 कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो बेटा व्हाट इज द आंसर, 96। ठीक है, एनी क्वेश्चन। ठीक है, एटम शोज अ कोरिलेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है फोर साइडेड क्लोज फिगर, और एंगल कितना होता है कोऑर्डिनेटर का, 360। ठीक है, लिखना नहीं है बेटा, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, कितना होता है, 360। फिर उसके बाद उसने कहा एंड अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन, और कितना गिवन है, ऑक्टागॉन। और ऑक्टागॉन का जो एंगल है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 135। देखो गौर से, 135 गिवन है, इज इट क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि लिसन, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स। पहले एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन सॉल्व भी कर, पहले इक्वेशन निकालनी है उसके मार्क्स होंगे, फिर जो सॉल्व करेंगे उसके भी मार्क्स होंगे। तो ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन। अब इधर देखो भाई, अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 135। 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 इज इट क्लियर, राइट। अब इधर देखो, यहां पर गौर करो बेटा, एक चीज पे गौर कीजिएगा कि ये वाली जो लाइन है, इसने बताया है कि ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है, कितना होता है, 180। उसमें 135 गिवन है, ये 135 गिवन है। व्हाट इज द आंसर बेटा, कितना आ गया, 45। इज इट क्लियर, सही है। अब मुझे इतनी सी बात का ही जवाब ये दो कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। इसका मतलब है कि आप इसको प्लस करोगे, आप इसको प्लस करोगे, आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, एक इक्वेशन बनेगी। कैसे प्लस करोगे, लुक एट द बोर्ड, 45, राइट, प्लस 3x प्लस 103 प्लस 3x, सॉरी x प्लस एक्स प्लस 20। ठीक है, एक्स प्लस 20 क्या है, एक्स प्लस 20, राइट, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 360। ठीक है, क्या, राइट, 45।
अब आप ये देखो, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो, सही है, ब्रैकेट ओपन करो, कितना आ जाएगा, 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 360। बेटा अब आप देखो, 3x और x, दीज आर द लाइक टर्म्स, तो ये 3x प्लस x इसके बराबर होगा 4x के, सो व्हाट इज द आंसर, पहला आ गया 4x, ठीक है, 103। अब देखो व्हाट आर द लाइक टर्म्स, कांस्टेंट, 45, 103 और 20, व्हाट इज द आंसर, 178, सॉरी कितना आएगा, 168, 168। तो बेटा ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 360। अब एक और चीज करो, ठीक है, यहां पर 360 में से 168 माइनस कर दें, 192, बेटा ये आपकी क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन, सही है, यहां तक क्लियर है। इसने कहा था फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, मैंने इक्वेशन बनाकर दे दी इसको, उसके बाद उसने कहा सॉल्व, सॉल्व का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेटा अब आप क्या करेंगे, अब ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x is equal to 192, so x is equal to 192 upon 4, what is the answer बेटा, जी बेटा, जी बेटा, 48, it is your answer, any question बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला